तो भाई साहब 65 इंच x 8000H, यानी कि सोनी का जो 65x8000H कैसा है, क्या ये बाकियों के जैसा है, यानी कि 43 इंच वाले सेगमेंट या 49 या 55? जी नहीं भाई साहब, यानी कि 65 इंच वाले का जो पिक्चर क्वालिटी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने खुद से जो एक्सपीरियंस किया है, मतलब बहुत ही कमाल का है, बहुत ही मतलब सुपर्ब है। और मैं इसलिए ये वीडियो अनबॉक्सिंग के साथ साथ इसमें मैं डायरेक्टली आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा एलजी के C10 यानी कि ओलेड के साथ, जो कि ओलेड के साथ मेरे को नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, दोनों के टेक्नोलॉजी अलग है। बट भाई साहब पिक्चर यानी कि जो विजुअल मैंने जो एक्सपीरियंस किया, मेरे को कुछ खास चेंजेस नहीं लगा। पता नहीं क्यों सोनी ने इस वाले सेगमेंट में 65 इंच में क्या नया डाल दिया है, बाकी सारा पिक्चर इंजन तो सारे के जैसा सेम है, बट कुछ खास है। तो मैं आपको इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा, विजुअल एक्सपीरियंस कराऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें, पूरा अनबॉक्सिंग देखिए। और हाँ, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 65 इंच है तो साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है बॉक्स का। बॉक्स में आपको सारे बेसिक्स डिटेल्स मिल जाएंगे, 4K HDR, और इसका जो पिक्चर इंजन है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसकी प्राइस और मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे आप इसको पॉज करके सारे डिटेल्स अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो। और बाकी मैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके टीवी को पहले निकालता हूँ। और बॉक्स आप देख रहे हो, काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ ये बॉक्स में पैकिंग होकर के आता है, तो भाई साहब ये बहुत ही ज़रूरी है इतनी बड़ी साइज़ की टीवी में। और बॉक्स पहले ओपन करने के बाद मैं इसका सबसे पहले ना आपको पैनल दिखाता हूँ। पैनल जो है इसका सामने से, यानी कि ये प्योर ब्लैक है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा, और मैं लाइट वगैरह देख रहा था रिफ्लेक्शन, तो पैनल बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है इसमें। और ये DLED पैनल है, डायरेक्ट LED के साथ है ये। और पीछे से कुछ इस तरह का क्लीन बैक है इनका, यहाँ पे मॉडल्स नंबर के साथ इसमें सीरियल नंबर भी है, और पावर के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स मिलेंगे कनेक्टिविटीज़ के लिए, जिसमें आपको 4 HDMI और 3 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, बाकी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ऑक्स एंड ऑडियो वीडियो के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो सारे कनेक्टिविटीज़ आपको देखने के लिए इसमें मिल जाता है। और सारा साइड में है तो ये एक अच्छी बात है, पीछे साइड से नहीं है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी दिखा दे रहा हूँ। वॉल पे मेरे साथ एक साथ टंगा हुआ था iFalcon, तो iFalcon और TCL ये सब जो ब्रांड है वो कैसा दिखता है एक्चुअल में आप देख सकते हो, क्योंकि आप ऑनलाइन में सारे यूट्यूबर के आप रिव्यू से ही सिर्फ आप टीवी मत लिया करो, आप देख लो एक बार जा कर के ग्राउंड लेवल पर कैसा दिखता है। एंड हाँ, अब मैं इसको सामने से थोड़ा सा आपको क्लोज आपको फील करा दूँ। जैसा कि आप देख रहे हो यार भाई साहब, मतलब हर एक एंगल से आप देख रहे हो, मैंने इतना ज़्यादा एंगल चेंज किया, ऑलमोस्ट जो होता है वाइड एंगल जो बोला जाता है 178, वो मैंने करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं दोनों साइड से 1% भी कलर लॉस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब पिक्चर क्वालिटी ये जो है ना इसमें, पता नहीं क्या इसमें डाल दिया इस मॉडल में इन्होंने, जबकि पिक्चर क्वालिटी इनका सेम है बाकियों के जैसा, सारे सेगमेंट में 43-55 यानी कि 1.4K HDR प्रोसेसर है, टायर लुमिनस डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन और एटमोस के साथ आता है, एक बैलेंस स्पीकर है, बाकी क्रोम कास्ट इन बिल्ट है और गूगल असिस्टेंट के साथ है। यहाँ पे मैं आपको कंपेयर कर दूँ, जैसे कि ये जो है ओलेड है, ये C10 LG का, इसमें आप जो देख रहे हो कंटेंट थोड़ा सा दूर है टीवी, इसलिए एक साथ मैं कंपेयर नहीं करा पाया आपको। यहाँ पर आप देखो ये चल रहा है, यानी कि कलर जो है काफ़ी ज़्यादा रिच और एक जैसा ही है। तो बताइए भाई साहब, आप सभी को ये टीवी कैसा लगा? और हाँ, इस टीवी रिलेटेड या फिर किसी और टीवी रिलेटेड, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी तरह का क्वेरी है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, कोशिश करूँगा मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए। चाहो तो आप मेरे को इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको सारे सवालों का जवाब देखूँगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फास्ट दे पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो और हाँ, इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आगे के जो वीडियोस होंगे वो कुछ यूनिक डिवाइसेस के साथ होंगे, जो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो रिलायंस में आया है, तो वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और दिखाऊंगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।